इसमें 200 काफ़ी बड़ा हो गया है, इनका फेरा आना स्टार्ट हो गया है। आज जो कोलकाता लाभ बाग के मेंबर आए हैं सेटअप पे हॉलैंडर हगड़ों का चिक्स लेने के लिए, काफ़ी दिन से बोल के आते थे, तो अभी जो सेल भी दिन पर आए हैं तो भैया को मैंने बोला था आओ सेटअप विजिट करके जाओ और अपना जो चिक्स पसंद आए वो लेके जाओ। तो पहले नाम क्या है दादा बताइए पहले। नमस्कार, हमारा नाम जयंत और हमें कोलकाता लाभ बागर एक खूब भलो फैन, साथे साथ कोलकाता लाभ बागर हमें रेगुलर एक व्यूअर्स, साथे हमार दादा आछे ओ शैलेंद्र बैद्य, हमारा दुजने मिले हमें किस दादा थे ट्रिक्स नीते हॉलैंड हुगुरुमो किस ट्रिक्स एखान पार्चेस कर प्रथम हाई म्यूटेशन बाट बद्री ओपरे पार्चेस कर। थैंक यू। तो भाई लोग ऐसा चिक्स को पसंद किए हैं जिसमें से दो के हगोरोमो है, एक स्प्लिट है और तीन स्पेंगल पे है और यहाँ पे कुछ हॉलैंड और फिर डबल एरेस केस्ट है जो मैंने आपको दिखाया था चीज देखने में ज़्यादा एक पी आर को सिलेक्ट किया है, डबल एरेस एक पी आर केस्ट, डबल एरेस एक पी आर केस्ट है, दो पेयर हॉलैंड और दो पेयर हॉलैंड। थैंक यू। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ हर एक फैन को सेटिस्फाई करने के लिए और गाइडेंस जो है इसके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास पहुँच सकूँ और वैसा इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को कुछ मदद मिल सके, यही कोशिश रहता है हमेशा, आगे भी रहेगा। हाँ, तो हम सारे व्यूअर्स के लिए एक बात बोलेंगे, जो लोग नया ये वीडियो देख रहा है आप लोग प्लीज़ कोलकाता लाभ बाग को सपोर्ट कीजिए और ये चैनल में जो लोग नया है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए। और ये कोलकाता लाभ बाग एक जनरेशन क्रिएट कर रहा है, जो बाट लवर होता है वो बाट लवर के लिए बहुत सारा नॉलेज ये चैनल में शेयर आता है, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज फ्री में मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे इंटरटेनमेंट वीडियो देखती है, कोलकाता लाभ बाग का वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है और जो लोग नया है चैनल में एब्सोल्युटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दोनों भैया को इनमें बोलने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसका तीन चीकी है फिर, लेकिन देखिए नीचे जो वो लोग पॉटी करते हैं पू के वजह से कभी गीला हो गया है, तो इसकी वजह से इनको थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल दे दूंगा ताकि अभी सर्दी का टाइम ये लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस पेयर को देखिए अच्छे से सेट हो गया है, बच्चों को कभी अच्छा पाल रहा है और एक चिक्स तो पहले एक्सपायर कर दिया था, नहीं तो चार एक से चार ही चीज हम लोग को देखने को मिलता है। नेस्टिंग मटेरियल देंगे ज़्यादा करके नहीं देंगे, फिर दो तीन दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके चिक्स के नीचे नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे और उसके साथ थोड़ा ये एंटी माइस पाउडर है ये भी थोड़ा दे देंगे ताकि माइस या दूसरा कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि लकड़ी का कूड़ा जब गीला हो जाता है तो उसमें माइस और कीड़ा होने का चांसेस है, तो इसलिए मैं थोड़ा एंटी माइस पाउडर यूज करूँगा। इसको थोड़ा बाहर कर दिया था क्योंकि अभी एक पाउडर दे दिया और अभी थोड़ा लकड़ी का कूड़ा दे देंगे, कि लोग ये लोग अंदर रहने से थोड़ा प्रॉब्लम होता था ये लोग ये सब देने से। इस तरह से केयर करने का काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि सब्जी का टाइम पे हर एक चिक्स को हर एक बॉक्स को आपको अच्छी तरह से साफ साफ प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो चिक्स पे एक्सपायर होने का चांसेस रहता है। तो एक्चुअली क्या देखिए, हम लोग जो लाइट देते हैं बाद जो टेम्परेचर होता है बाहर का
वो हम लोग तो बाहर का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बॉक्स का अंदर का टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उनका पू या पॉटी से वो गीला भाव से काफ़ी ठंड हो जाता है बॉक्स का अंदर, और तभी जाके चिक्स एक्सपायर कर जाता है। तो चीनी तो हट नहीं रहा, चीनी अगर हट जाता तो और भी अच्छा होता। तो ठीक है, जितना हो सके उसने दे दिया, और ये मुझे दो तीन दिन बाद बाद मेंटेन करना पड़ेगा। तो तीन चीज़ से जिसमें दो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, जिसमें दो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, इनका फेदर आना स्टार्ट हो गया है। इसका एक फेदर आना स्टार्ट हो गया है। और ये लास्ट चीज है, तो काफ़ी केयरफुली मुझे इस सारे चीज को ग्रो करना पड़ेगा। और देखिए नाप में थोड़ा पॉटी लग गया है, तो अभी थोड़ा साफ कर देते हैं। तो साफ कर दिया फ्रेंड्स, तो देखिए अभी बॉक्स का अंदर का जो एटमोसफियर है अभी ठीक है, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ अभी चीज के लिए, काफ़ी हेल्थी हो गया है बॉक्स का अंदर का जो माहौल है। तो इस तरह से आप लोग भी काफ़ी केयर कीजिएगा अपना हर एक चीज़ को फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग का पास आता है। तो जब तक ये सब सेल्फिंग पे नहीं आता है, काफ़ी केयरफुली हम लोग को इनको केयर करना पड़ेगा। और एलुमिनियम कॉकटेल इसका फिर दो चार दिन के बाद चेक करेंगे। इनको मैं खाने में हर तरह का सॉफ्ट फूड देता हूँ, और मेनली चना, चना में हर दिन देता हूँ इनको, और उसके साथ जो भी सॉफ्ट फूड में दूसरा बात को देता हूँ वो सब में इनके साथ ऐड कर देता हूँ। बाकी काफ़ी अच्छा प्यार है फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो देते खा जाता है, कोई नशा नहीं करता है। तो कॉकटेल काफ़ी अच्छा बाद है, काफ़ी शांत किस्म का बाद है, और काफ़ी प्यारा बाद है। इनका विशेष जो है तो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखता हूँ फिर, अभी तो नॉलेज एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इनका बिजली का, थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस मेरा इस साल हो जाएगा प्रैक्टिकली, तब भी नेक्स्ट साल में कॉकटेल के ऊपर और अच्छे तरह से काम करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज का वीडियो ही खत्म करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।